हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके सवालों के कुछ जवाब दिए हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड्स, ये है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला जो यूपीपी में लगेगा। यही फार्मूला ग्रुप डी में भी लगा था, यही फार्मूला एएलपी में लगा था, यही फार्मूला रेलवे में लगता है, यही फार्मूला यूपीपी में लगेगा। और आपको बता दें कि कैसे लगेगा, कैसे लगेगा सब हम एग्जांपल से समझाएंगे। इस वीडियो को जो है हम आपको 7 बजे अपलोड करेंगे, आप 7 बजे इस वीडियो को देख पाएंगे, आज ही शाम को 7 बजे। फ्रेंड्स, जो वीडियो हम शाम को 7 बजे अपलोड करेंगे, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे कैसे इस फार्मूले से 75 नंबर वाले का 115 नंबर हो जाता है और वो पास हो जाता है क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट में रहता है, और कैसे 90 नंबर वाला जो ईजी शिफ्ट में था उसका 90 नंबर ही रहता है और वो फेल हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बीच एग्जाम्पल समझाऊंगा, कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो पूरा हम कब का बना लिए थे, लेकिन अपलोड इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं उसके बारे में अध्ययन कर रहा था और लोगों से जो मैथ के टीचर थे उनसे मैं पूछ रहा था, जानकारी ले रहा था, क्या मैं ये बताने वाला हूँ, क्या ये सही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी के बीच गलत मैसेज जाए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो को समझाएंगे, तो आप 7 बजे तैयार रहिएगा। 7 बजे राइट वीडियो अपलोड होगी, तो उसको आप पूरा समझिएगा, बिना स्किप किए समझिएगा, उसमें बहुत मेहनत लगी है। और आज के बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों जो हमसे सवाल पूछे थे उन लोगों को और बताते हैं उनके सवालों का जवाब। तो यहाँ सबसे पहले जो सवाल पूछे हैं वो गगन कुशवाहा ने पूछा था कि सर जी 186 क्वेश्चन सही हैं 27 फर्स्ट शिफ्ट में। तो ब्रो कुशवाहा, मेरे ख्याल से जनरल हैं आप, अगर आप ओबीसी हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, और अगर आप जनरल में हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल दिखाई भी पड़ता है। और सोनाली जी का है, इन्होंने कहा सर क्या कोई लड़की अप्लाई कर सकती है, ये फॉर्म है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रोजगार मेला का, तो उसमें कई सारी वैकेंसी कई जिलों की आई हुई है, उसके विषय में हमने बताया था कि आप लोग अप्लाई कर दीजिए। तो ये लड़की हैं पूछ रहे हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपके ज़िले में वो वैकेंसी नहीं आई हुई है तो आप दूसरे ज़िले से भी अप्लाई कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगले तरफ चलते हैं। अगला कमेंट जो है वो है भूपेंद्र का, इन्होंने लिखा है सर आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, सर मैं ओबीसी से हूँ 184 क्वेश्चन 28 सेकेंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए, बेस शिफ्ट लोग कह रहे हैं मानी जाएगी, लेकिन अब आगे क्या होता है वो तो जाने भर्ती बोर्ड, लेकिन आप रनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 184 ठीक ठाक नंबर है। और यहाँ पे चलते हैं, तो आकाश जी का है अगर सितंबर में रिजल्ट आएगा तो 15 सितंबर तक 100%। भाई आपकी सोच है, आप शायद कहीं से पता लगाए होंगे, ऐसा हो सकता है, आपके हिसाब से हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। और यहाँ पे कृष्णा कुमार का है 28 सेकंड से 215, भाई बिल्कुल रनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है आप रनिंग करिए। और यहाँ पे कृष्णा कुमार ने ही बताया था सबसे इजी शिफ्ट 28 सेकंड, भाई हो सकता है, आप कह रहे हैं तो होगा, ज़रूर होगा, आप शायद पेपर दिए होंगे तो होगा ज़रूर, 28 सेकंड शिफ्ट 215। अच्छा आप उसी शिफ्ट में हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं ईजी है तो बिल्कुल ईजी होगा, जब आप उसी शिफ्ट में हैं और कह रहे हैं तो ईजी होगा। और यहाँ पे नितिन ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एफएम मिल गए, भाई ये कौन सा रूल है, पिछली बार भी तो एफएम मिला था तब भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ऐसा नहीं है, एफएम मिलने का कोई मतलब नहीं है कि एफएम मिलेगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। आज शाम को आप देखेंगे उस वीडियो में कि कैसे होगा, वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, 10 से 12 मिनट से कम नहीं होने वाली, क्योंकि समझाया हूँ दो लड़कों का एग्जाम्पल लेकर के समझाया हूँ, किसी का 40 बढ़ा है और किसी का 0। तो आप 7 बजे आप राइट उस वीडियो को देखिएगा। और फ्रेंड्स, अब अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट जो है और लास्ट कमेंट्स यही है, इन्होंने लिखा है शेखर है, ये काफ़ी दिन से हमारी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं और हर वीडियो पे उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, और मुझे लगता है मेरा पहला अनलाइक ये ही देते हैं हमको, ये हर वीडियो कितनी अच्छी क्यों ना बना दो इनको बुरा ही लगता है, पता नहीं क्यों। इन्होंने कहा है कि पूरा दिन तुझे कोई काम और नहीं, सही न्यूज़ भी दे दिया कर, ऐसा इनका कहना है। और इनको ने आगे लिखा है कि 200 से कम अगर ओबीसी लगता है तो हमें बता दीजिएगा। तो भाई अब आपको हम नहीं बताएंगे, जवाब देंगे आप, हमारे जो प्यारे सब्सक्राइबर है वही आपसे मिलेंगे, वही आपको बताएंगे कि 200 कैसे जाएगा, वही आपको पेपर देंगे, आप सॉल्व करके दिखा दीजिएगा 2 घंटे में ओबीसी से, ठीक है। तो आप जानिए और हमारे सब्सक्राइबर आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए अगर आप कमेंट्स करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा कमेंट्स नहीं हमने चूज किए थे क्योंकि ज़्यादा टाइम थोड़ा कम है, हमने इस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया नॉर्मलाइजेशन वाले प्रोसेस पे। तो शाम को 7 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।